नमस्कार आप सभी को। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है, बट जो भी इम्पोर्टेंट चीज है मैंने वो हाईलाइट की है और वो मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये यहाँ पे कुछ चैप्टर्स में ये जैसे आपको दिखा सकता हूँ, मैं पहले मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से जो चीजें हैं यहाँ पे हाईलाइट की हुई है, ओके। और ये जो भी है आपको ये आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ओके। आपको बस वहां पर सर्च करना है प्रतीक सौरभ एंड यू विल गेट द चैनल। ये सब उतने काम के नहीं थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे हाईलाइट नहीं किया है ना पढ़ाया, बट आप एक बार इसे गो थ्रू जरूर कर सकते हैं, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फाइन। अब ज्योग्राफी तो वी नो कि हाँ क्या होता है, अभी अभी ह्यूमन ज्योग्राफी क्यों कहा जा रहा है तो इसके बारे में अभी से पढ़ेंगे। इसके बाद जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो हम देखेंगे, डेंसिटी कितनी है, ग्रोथ कितना हुआ है पिछले कुछ सालों में। इसके बाद पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हो रहा है। अगर अभी बात की जाए कि ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, तो यहाँ पर जो रेजल है उन्होंने एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया था कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सर्फेस। देखिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, सिंथेटिक स्टडीज। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो रीजन ये है कि अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो वहां पे हम जनरली क्या क्या एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, लैंड फॉर्म्स कैसा है, सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वाटर कैसा है, नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, फ्लोरा फौना के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो ये तो हो गया कि कहीं ना कहीं कि हमारा जो नेचुरल जो ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, बट इसके बाद एक ह्यूमन मैनमेड भी आजकल ज्योग्राफी है। क्या है वो, लाइक हाउसेस, विलेजेस, सिटीज, इंडस्ट्रीज, फार्म, ये सब जो भी हमारी डेली यूजेस की जो भी चीजें हैं, तो ये तो पहले एग्जिस्ट नहीं हुआ करती थी। तो ये किसने बनाई है, हम ह्यूमंस नहीं बनाई है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक इससे इंटरेक्ट कर रहा है ना, चाहे हमारे जो सराउंडिंग क्लाइमेट्स है। तो इसीलिए जो है इसे बोला गया है कि सिंथेटिक स्टडी है, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस, ओके। इसके बाद अगर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइक नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, कि ह्यूमन जो है नेचर के साथ मिलके एक तरीके से नेचुरलाइज हो गया। हम ये भी बोल सकते हैं कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, कि ह्यूमंस ने जो है नेचर को अपने हिसाब से बना दिया है कि नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें कि नेचर का इंपॉर्टेंस कितना है हमारे लाइफ में, तो नेचर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले अगर हमने जो भी साइंटिफिक रिसर्च किए हो, चाहे डे टू डे लाइफ में जो भी हमने चेंजेस लाए, हमने कहाँ से सीखा है, उस ऑब्वियसली बात है वो हमने नेचर से सीखा है। कि पहले जो है फ्रिक्शन के थ्रू है ना से भी आग लग जाती है, तो वहां से हमने फायर के बारे में सीखा, फिर हमने फ्रिक्शन के बारे में सीखा, फिर हमने धीरे धीरे किसके बारे में, एरोडायनामिक्स के बारे में सीखा। तो आज जो है चाहे हम चाहे प्लेन बना रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमने स्टार्टिंग में कहाँ से सीखा है, ये सब हमने सीखा है नेचर के थ्रू। अगर बात की जाए कि स्टेज की बात की जाए कि ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो इनिशियल लेवल पे हम काफी प्रिमिटिव थे, हमें कुछ आता नहीं था ज्यादा। तो उस समय हम ये बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी का जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर से एक इंट्रैक्शन हुआ, उसे क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म, है कि नहीं। स्टार्टिंग में तो हमें हमारे पास इतना नॉलेज नहीं था, काफी ये थे कि हम पत्थर से भी आग लग सकती है, तो धीरे धीरे हमने वहां पे सीखा, तो इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म उसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या, देखिए नेचर में सब कुछ आ जाता है, टेम्परेचर, प्रेशर और बाकी जितनी भी चीजें हैं सब वो नेचर के अंदर में आता है। तो अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, लाइक 2 डिग्री, 3 डिग्री, माइनस में भी होता है, बट वहां भी अगर हम जाएंगे लाइक यूरोप साइड या फिर बाकी कुछ कंट्रीज में, तो वहां हम देखेंगे कि टेम्परेचर भले कम होता है बट वो आर्टिफिशियली एक ऐसा हीटेड कंपार्टमेंट बना लेते हैं कि वहां पे जो है 23 डिग्री, 25 डिग्री, जो कि ह्यूमन के लिए एक आइडियल टेम्परेचर है, वैसा वो मेंटेन कर लेते हैं, है ना। तो ये जो हीटिंग कैपेसिटी है वहां पे, क्योंकि पहले जहां जहां लोग नहीं थे, जो हैबिटेट नहीं था ह्यूमंस के लिए, आज हमने वो भी बना दिया। तो ये कैसे बनाया है, इसे हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के थ्रू बनाया हुआ है। क्योंकि बहुत बार हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो घर बने हैं बहुत जगह वो कांच के थ्रू बने हुए हैं ना, कि हीट अंदर तो आए बस अंदर ट्रैप हो जाए, बाहर ना जा पाए। तो इस तरीके का भी जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, है ना। इसके बाद अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं प्लेन के थ्रू, तो वो भी क्या, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, कि हम तुरंत अब यहाँ से वहां कहीं पहुंच जा रहे हैं।
तो ये सब जो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यही सब चीजों के कारण जो हमारा पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ पाया, क्योंकि हम हर जगह अडेप्ट कर पाए रहने के लिए, है ना। इसके बाद अगर बात की जाए कि दो चीज होती है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक पॉसिबिलिज्म, है ना। तो अगर वो हम दोनों की एक मिडिल टर्म को देखें तो वो क्या हो गया, नियो डिटर्मिनिज्म। तब इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि ये क्या है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सपोज कि हम कहीं जा रहे हैं, वहां पे हमने क्या देख लिया, रेड लाइट देखी और हम रुक गए, ठीक है। अब जैसे ही हम रुके तो वहां पे एक चीज तो समझ में आ गई कि कॉन्सेप्ट शोज दैट नाइदर इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटीज। मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि अगर रेड सिग्नल है तो हमें आगे बढ़ना ही है कि नहीं। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, राइट। और नॉर इज देयर अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम मीन्स पॉसिबिलिज्म, कि बहुत ज्यादा पॉसिबल भी नहीं है कि हमें एब्सोल्यूट फ्रीडम पे ही हम चल पाएंगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करना है। जैसे वो रेड लाइट जो बता रहा है कि आपको अभी यहाँ पे रुक जाना है कि नहीं। सो अगर हम ये चीज नहीं करेंगे, टाइमली नहीं रुकेंगे, या फिर पॉसिबिलिज्म हम नहीं देखें, तो इसका बहुत बुरा इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट हो सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वैसे ही अगर हम अगर इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं और नेचर से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमें जानना पड़ेगा कि कब हमें रुक जाना है, कब ये बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस हो रहा है। क्योंकि जैसे कि हम जो इम्पैक्ट देखते हैं, चाहे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, ये जितनी भी चीजें हैं, इसके लिए जो हमें कैसा बैलेंस बना के चलना चाहिए ताकि कोई भी डिग्रेडेशन नहीं हो इन सब चीजों का। तो इसमें जो न्यू डिटर्मिनिज्म जो आता है वो क्या करता है, कॉन्सेप्चुअली अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अ बैलेंस, नलिफाई दी आइदर और डिकोटॉमी, मींस कि ये आपको एक नलिफाई करके देता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हो तो आप बाकी चीजों को बर्बाद कर रहे हो। कोशिश करते हैं हम कि चेक एंड बैलेंस लगा सके, जैसे कि अभी हम लोग रेड लाइट के बारे में देखा कि अगर हम रुक रहे हैं तो इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी के लिए ही है। तो ह्यूमंस को ही समझना पड़ेगा, ओवर डेवलपमेंट, ग्रोथ, और जिसकी बात कर करके अब इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा खराब करते जा रहे हो, तो है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि अभी बहुत बार कुछ अच्छी न्यूज ये आती है कि कोरोना के कारण सब घर में लॉकडाउन है, पॉल्यूशंस कम हो रहे हैं, है ना, काफी ज्यादा। तो ये सब जो चीजें हैं कि हमें कुछ भी चीज को ओवर नहीं करना चाहिए। चलिए, थैंक यू। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। सो मेन क्रक्स जो था वो मैंने आप आपके साथ शेयर कर दिया है, और ये है ब्रॉड स्टेजेस एंड थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये इतना कुछ जरूरी नहीं है, ना प्रीलिम्स ना मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप एक बार आप चाहें तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं। जो मैंने इसे पढ़ा, फिर मुझे कुछ खास लगा नहीं, तो मैंने सोचा आपसे शेयर ना करूँ, वही बेटर है। क्या पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो का टाइम में अननेसेसरी मैंने देखे हैं बहुत। चैप्टर्स जो है वो एक एक चैप्टर को एक एक घंटे पढ़ाते हैं, बट वो कोई मतलब नहीं रहता है, कि हमें अगर कभी रिविजन भी करना हो तो वो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, तो वो जो कि सही नहीं है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। और आप सब भी, जैसे ये जो टॉपिक्स जो मैंने पढ़ा है, आप किसी को, छोटे भाई बहन या किसी को भी कोशिश करें कि पकड़ के पहले पढ़ाएं, कि जितना आप पढ़ाएंगे उतना आपके लिए भी अच्छा है, आपके माइंड में रिटेन रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर जरूर करें। एंड कुछ भी नया आप चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि कुछ और अच्छा हो सकता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी